WHG। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। दोस्तों, रॉ की 25th एनिवर्सरी बेहद करीब है, अगले हफ्ते दोस्तों ये होने वाली है और ऐसे में कई रेसलर्स और लेजेंड्स के नाम सामने आ रहे हैं। एक और नाम दोस्तों लगभग कंफर्म हो चुका है, ये रेसलर दोस्तों अपनी इंजरी से वापस आ रहा है और ये रेसलर कोई और नहीं दोस्तों, ये है जेफ हार्डी। जी हाँ दोस्तों, जेफ हार्डी करने जा रहे हैं अपनी वापसी। डेव मेल्जर के अनुसार दोस्तों जेफ हार्डी को WWE वालों ने अभी तक प्रमोट नहीं किया है रॉ की 25th एनिवर्सरी के लिए, लेकिन यहां वो अपनी वापसी कर सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, जेफ हार्डी ने पिछले साल रेसलमेनिया में अपनी एक दांसू एंट्री की थी, अपनी वापसी की थी WWE में, लेकिन साल के अंत होते होते दोस्तों वो एक जगह इंजर्ड हो गए और उनके शोल्डर में आ गई इंजरी। लेकिन यहां दोस्तों डेव मेल्जर का कहना यह है कि जेफ हार्डी करेंगे अपनी वापसी रॉ की 25th एनिवर्सरी पे, लेकिन दोस्तों मेरा मानना कुछ और ही है। दरअसल यहां हमें जेफ हार्डी तो नहीं, यहां हमें देखने को मिल सकते हैं ब्रदर नीरो। जी हां दोस्तों, जेफ हार्डी का दूसरा गिमिक यानी ब्रदर नीरो हमें यहां देखने को मिल सकता है। ये वही गिमिक है दोस्तों जो कि मैट हार्डी और जेफ हार्डी ने TNA में डेवलप किया था। यहां दोस्तों मैट हार्डी पहले से वोकन बन चुके हैं और हमें यहां देखने को मिल सकते हैं जेफ हार्डी एज ब्रदर नीरो। देखने वाली बात यह भी होगी दोस्तों, क्या WWE इनका भी नाम चेंज कर कुछ और रखता है या फिर उनका नाम वही रहेगा यानी ब्रदर नीरो ही रहेगा। यही दोस्तों एक और सवाल आपके मन में खड़ा हो चुका होगा। अगर इंजर्ड रेसलर की बात लगती है, आप सोच रहे होंगे कि डीन एम्ब्रोज कहां है। जेफ हार्डी ने तो अपनी वापसी कर दी है लगभग, लेकिन डीन एम्ब्रोज कहां है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीन एम्ब्रोज अभी भी इंजर्ड है और ऐसे में कई बार मुझसे सवाल पूछा गया कि सर डीन एम्ब्रोज कब तक अपनी वापसी करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, WWE वालों की स्टेटमेंट यह है कि उनको 9 से 10 महीने लग सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। ये WWE ने एक हाइप क्रिएट की है, लेकिन मेरे अनुसार डीन एम्ब्रोज समर स्लैम में यानी लगभग 5 या फिर 6 महीने बाद हमें देखने को मिल जाएंगे WWE की रिंग में फिर से एक बार। और वहीं दोस्तों एक और सवाल मुझसे पूछा गया कि शील्ड टूटेगी कि नहीं। तो दोस्तों यहां मुझे लगता है कि डीन अपना सिंगल करियर फिर से स्टार्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता है वो शील्ड का पार्ट होंगे और वो सिंगल करियर पे ध्यान देंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।